शांति है। भले जी धन्यवाद सीमा जी आपका। इसी भाव के साथ इस बार की परीक्षा में हम निर्धारित उत्तीर्ण कर लेंगे। सभी दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, पलकों पर लगाएंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम आप सभी को। माय गॉड, लाइट बंद हो गया हमारे यहाँ। चलिए ठीक है, पर भी कर लेंगे। ग्रुप में पहले ही मैसेज डाल दीजिए, है ना, कि आप कोई ट्राई ना करें, डिस्टर्ब होता है बहुत ज्यादा। बताइएगा स्क्रीन मेरी प्रेजेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी तक नहीं हो रही है मैम। अच्छा, तो अब आया यस मैम, अभी आ गया। मैम। एक्चुअली ना मेरे यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, तो इस कारण ना मुझे, मतलब मैं ज्वाइन करना स्टार्ट करती हूँ ना तो काफी देर हो जाता है, तो मे बी इस कारण मुझे देर हो जाती है ज्वाइन करने में। हाँ, आप पहले साथ जो रहता है ना उससे पहले ट्राई किया कीजिए, फिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। चलो, कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने कल? 9th सूत्र तक पढ़ा था, टेंथ आए हैं ये प्रति का सौ यह सूत्र। हाँ ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, है ना। क्रिया को विद्यादि परिशेष के साधन पद बारे में कहते हैं, देखिए, साधन पद। हमने साधन पद स्टार्ट किया था, ठीक है। तो साधन पद में सबसे पहले किसकी चर्चा की गई है? क्रिया पहले क्रिया को योग। साधन परिशेष का यस, पढ़ा, क्रिया योग। क्रिया योग तब में क्या क्या आता है? स्वाध्याय से परिधान। यस, तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। फिर उसके, ये पहला नंबर का सूत्र हो गया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या बताया गया है? फल। क्रियायोग का फल बताया गया। ठीक है, अब क्रिया योग का फल बता दिया। क्या क्या होता है क्रिया योग का फल? समाधि समाधि भावनार्थ, भावनार्थ, क्लेश क्लेश अनुकरणार्थ। कुछ तीन होते हैं। अनुकरणार्थ। देखिए, पहला समाधि की भावना और दूसरे बात क्या है, वो क्लेश को तनु करता है। अब सवाल आता है क्लेश को तनु करता है ना, तो फिर क्लेश हमारे कौन कौन से हैं? तो कौन कौन सा है हमारा पांच क्लेश? पांच पंच प्रश्न क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। फिर उसके बाद क्या बताया गया है? सभी क्लेशों का कारण उनके अविद्या बीच है। का अभी ठीक है। अब उसके बाद, मतलब चौथा नंबर का सूत्र है, उसमें ये बताया गया है कि इन सब का कारण क्या है? अविद्या है, मतलब बाकी जो क्लेश है उसका कारण अविद्या। और उसकी फिर क्या है, कितनी, चार अवस्था बताई गई है, प्रसुप्त, तनु, विक्षिण्ण और उदार, है ना। अब इसके बाद पांचवे से लेकर के नौवे तक में हमारे जो क्लेश हैं उसके टाइप्स बतलाए गए हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि इन पांच प्रकार के क्लेशों को तनु अर्थात सूक्ष्म बना देने का उपाय क्रिया योग पहले बता चुके हैं। पहला उपाय क्या हुआ? क्रिया योग। अब क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म किए हुए क्लेशों का नाश किस उपाय से करना चाहिए, यह आगे सूत्र में बतलाते हैं। अब देखिए, जब तक क्लेश नष्ट नहीं होंगे, है ना, तब तक क्या है, हम समाधि की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। समाधि की अवस्था हमको प्राप्त नहीं होगी, तो इसी कारण अब क्रिया योग के द्वारा हमने उन क्लेशों को सूक्ष्म कर लिया। अब उनका सर्वनाश कैसे करना है, उसको कंप्लीट, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हम कैसे करेंगे, कैसे समाप्त करेंगे, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ते प्रति प्रशव्य सूक्ष्म, ठीक है। तो ते का अर्थ वे, तो वे का अर्थ यहाँ पर किनसे है, किनसे है? क्लेशों से ले, तो यस, क्लेशों हमारे जो पंच क्लेश हैं उससे। फिर सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश। अब ये जो सूक्ष्म अवस्था को जो प्राप्त क्लेश हो चुके हैं उसको क्या है, प्रति प्रसव हेय अर्थात चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा क्या है, नष्ट करने के योग्य है। मतलब बता रहे हैं कि पहले हमने जो सूक्ष्मों को जिन क्लेशों को क्या है सूक्ष्म कर लिया, उनको अपने, अब चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा क्या है, नष्ट करने योग्य है। तो क्रिया योग या ध्यान योग द्वारा सूक्ष्म किए हुए क्लेशों का नाश निर्भीत समाधि के द्वारा चित्त को उसके कारण में विलीन करके करना चाहिए। किसके द्वारा करेंगे हम? निर्भीत समाधि के द्वारा चित्त को उसके कारण में विलीन करने का। तो चित्त का कारण क्या है? प्रकृति। लास्ट में हम प्रकृति प्रकृति। में ही आ जाएंगे ना। हाँ,
क्योंकि ये चित्त क्या है, हमारा मतलब अंश ही है ना इसका। जब हम आगे बढ़ते हैं तो बुद्धि आती है, अहंकार आता है, तो इन सब को क्या है उसके कारण में विलीन कर देंगे तो उसको क्या है, कहाँ गया जी, निर्भीत समाधि के द्वारा उसको कारण में विलीन करके करना चाहिए। क्योंकि क्रिया योग या ध्यान द्वारा छीन के कर दिए जाने पर भी जो जो लेश मात्र क्लेश शेष रह जाते हैं उनका नाश दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव होने पर भी होता है। मतलब क्रिया योग या ध्यान योग के द्वारा हमने उनको क्या है अः सूक्ष्म कर दिया है ना, क्षीण कर दिया। तो उसके बाद क्या है, अब वो कमजोर हुआ है मतलब क्षीण हुआ है, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो लेस मात्र क्लेश भी अगर जो शेष रह जाते हैं तो उनका नाश कब होता है, जब दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव होता है। तो दृष्टा और दृश्य का, दृष्टा अर्थात क्या है, पुरुष है ना, और दृश्य अर्थात प्रकृति। तो दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव मतलब दोनों अलग अलग है, इस चीज को हम कब जानते हैं, जब हमको विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसके पहले क्लेशों का सर्वथा नाश नहीं होता, यही भाव है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि जो चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा क्या है, जो सूक्ष्म अवस्था से प्राप्त क्लेश है उसको नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और कैसे होता है ये, जब हमको विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी तब। अब इसको और आगे इसका डिटेल्ड दिया है, फोर्थ चैप्टर में हम लोग इन सबको और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब क्लेश आया समझ में ये, यस और नो? यस मैम, यस मैम। हाँ, अब क्लेशों को क्षीण करने का क्रिया योग से अतिरिक्त दूसरा उपाय बतलाते हैं। पहला तो उपाय तो हमने देख लिया कि क्रिया योग मतलब जो हमारे क्लेश हैं उसको हम क्रिया योग के द्वारा क्षीण करते हैं, है ना। लेकिन अब उसके बाद अब दूसरा साधन बता रहे हैं इसका। इन सबको ना आप लोग पॉइंट्स की तरह करके लिखे जाएंगे, मतलब लिखते जाएंगे। ये श्लोक को श्लोक तो याद रहता ही है, लेकिन हम जब अपना नोट्स बना रहे हैं ना तो आप लोग इन सब चीजों को हाईलाइट कीजिएगा कि पहला, अब देखिए यहाँ पर दूसरा साधन बता दिया, तो पहला साधन आप लोग साइड में लिख लीजिए, क्रिया योग को सूक्ष्म करने का पहला साधन, सॉरी क्लेशों को क्षीण करने का पहला साधन क्या हुआ, दूसरा, और उसके बाद पहला क्या हुआ, सॉरी है ना, पहला क्रिया योग और दूसरा होगा ध्यान, है ना। तो 11वें नंबर के सूत्र में अब कहते हैं ध्यान हेया तद्वृत्तयः, ठीक है, अर्थात तद्वृत्तयः अर्थात उन क्लेशों की, एक साइड बंद है, बैटरी सेवर ऑन कर लीजिए, उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य है, ठीक है। अर्थात पहले तो मतलब क्रिया योग के द्वारा हम कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसके अलावा और क्या साधन है हमारा, ध्यान। तो उन क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं मतलब अब क्या है, वो अपने मूल स्वरूप में है, क्षीण तो हमने उनको क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा किया है ना, लेकिन अब इसमें इसको और किसके द्वारा कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा। तो उनका यदि पूर्वोक्त क्रिया योग के द्वारा नाश करके उन क्लेशों को सूक्ष्म नहीं बना दिया गया हो, तो अर्थात क्रिया योग के द्वारा हमने उनको सूक्ष्म नहीं किया है, तो पहले ध्यान के द्वारा उनकी स्थूल वृत्तियों का नाश करके उनको सूक्ष्म बना लेना चाहिए। मतलब क्रिया योग के द्वारा तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर सपोज हमने क्रिया योग नहीं किया है तो उससे पहले क्या है, हम ध्यान के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद कहा गया, ये तभी निर्भीत समाधि की सिद्धि सुगमता से हो सकेगी, और उसके बाद निर्भीत समाधि से क्लेशों का सर्वथा अभाव अपने आप हो जाएगा। अब निर्भीत समाधि में क्या है, कुछ भी चीज शेष नहीं बचता है, सब अपने कारण में विलीन हो जाता है, सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो इसी कारण से तभी निर्भीत समाधि की सिद्धि मतलब जब हमारे सारे क्लेश हैं वो क्षीण हो गए, सूक्ष्म हो गए, तो उसके बाद क्या है, हमको निर्भीत समाधि आसानी से प्राप्त हो जाएगी, और उसके बाद निर्भीत समाधि से क्लेशों का सर्वथा अभाव अपने आप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले जो संस्कार रहते हैं, मतलब होता क्या है, जब ये सब रितंभरा प्रज्ञा के बारे में ही हमने देखा था, तो रितंभरा प्रज्ञा जब उत्पन्न होती है ना, तो पहले तो वो बाकी संस्कारों को नष्ट करता है, फिर उसके बाद उसके संस्कार खुद ही नष्ट हो जाते हैं, है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से, फिर उसके बाद हमको निर्भीत समाधि की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, क्लेश हैं जो स्थूल हैं वो पहले क्या होंगे, सूक्ष्म होंगे, फिर उसके बाद क्या है, वो जो सूक्ष्म हुए क्लेश हैं
वो उनका अभाव अपने आप हो जाता है और हमको निर्वीज समाधि की प्राप्ति हो जाती है। आया समझ में? यस और नो? यस मैम। ये समझ आया, एक चीज ये नहीं समझ आई कि चित्त को उसके कार्य में विलीन करके करना चाहिए, तो ये चित्त के कार्य में कैसे विलीन होगा? यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये दृष्टा और दृश्य का संयोग जो होता है ना, तो दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव, मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों क्या है, अलग अलग है। इस चीज को हम जब जान जाएंगे, तो ये कब जानते हैं, जब हमको विवेक ज्ञान होता है, और विवेक ज्ञान होगा तभी क्या है, वो अपने कारण में विलीन होगा चित्त, ऐसा तब क्या है ये समाप्त होगा। आया समझ में? यस मैम। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर ये आगे और आएगा ना, ये सब कॉन्सेप्ट अभी चिंता मत कीजिए, इसी बाद में आएगा, है ना। तो उपर्युक्त क्लेश किस प्रकार से, अच्छा एक चीज और बोलूंगी, मतलब अगर ज्यादा ही वो टफ होता है शुरू में समझने में, है ना, तो वन लाइनर लिख करके याद कर लीजिए, धीरे धीरे क्या है इसका मतलब समझ में आने लगता है हमको, है ना। तो अब नेक्स्ट सूत्र हम देखते हैं, उपर्युक्त क्लेश किस प्रकार जीव के महान दुखों के कारण है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब अलग प्रकरण आरंभ किया जाता है। मतलब ये क्लेश है वो हमारे दुखों का कारण है, तो क्यों कारण है, तो इसको बताने के लिए अब नया प्रकरण, मतलब एक नया चैप्टर ही, मतलब नया कॉन्सेप्ट अब आरंभ कर रहे हैं। तो 12वें नंबर के सूत्र में कहते हैं, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः, अर्थात एक बार और पढ़ते हैं, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। तो जो क्लेश मूलः अर्थात जो क्लेश मूलक कर्माशय अर्थात कर्म संस्कारों का जो समुदाय है, वो दृष्ट अर्थात जो अभी दिखाई दे रहा है हमको, जो वर्तमान में हम है जी रहे हैं, तो वो क्या हुआ हमारा वर्तमान, और अदृष्ट मतलब जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ है, वो क्या होगा हमारा भविष्य। तो दृष्ट और अदृष्ट तो दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। तो अब देखिए ये जो क्लेश मूलक है ना, तो क्लेश रहेंगे तो उसी के कारण क्या है, अब हमारे कर्म संस्कारों का समुदाय बनेगा, है ना, मतलब इन सब का कारण क्या है, चलिए इसी व्याख्या को भी पढ़ के देखते हैं। तो कर्मों के संस्कारों की जड़ उपर्युक्त पांचों क्लेश ही है। तो हमारे जो कर्म के संस्कार है ना, कर्म संस्कार मतलब कर्म संस्कारों का जो समुदाय है हमारा कर्माशय है। कहाँ पर पढ़े हैं और कर्माशय बताइए तो जरा, ईश्वर के गुण पे। हाँ यस वेरी गुड, है ना, ईश्वर के लक्षण पे, ठीक है, लक्षण गुण एक ही हुआ है ना। तो वहां पर बताया गया है, कर्माशय की चर्चा की गई है ना, कि ईश्वर है उन सबसे रहित होता है। वर्ड्स को पकड़ा कीजिए आप लोग, वेरी गुड, है ना, कि जिन्होंने भी आंसर किया। तो कर्मों के संस्कारों की जड़ उपर्युक्त पांचों क्लेश ही है, मतलब हमारे कर्माशय का जो कारण है वो क्या है, हमारे पंच क्लेश ही है। और अविद्या आदि क्लेशों के न रहने पर किए हुए कर्मों से कर्माशय नहीं बनता, मतलब अगर हमारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं तो राग द्वेष हमारा सब नष्ट हो गया, है ना। तो अब जो हम कर्म करेंगे तो उसका क्या है, कर्माशय उसका फल नहीं बनता, है ना, बल्कि वैसे राग द्वेष रहित निष्काम कर्म तो पूर्व संचित कर्माशय का भी नाश करने वाले ही होते हैं। मतलब देखिए अब यहाँ पर गीता के, भगवद गीता के 4th चैप्टर के 23 नंबर का जो सूत्र है वहां पर रेफरेंस दिया गया है ना, कि जो हम कर्म करते हैं, है ना, निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो उसमें तो हमको वैसे भी आसक्ति नहीं है उसके फलों में, कि उसको हमको ये फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा, ऐसा कुछ। तो अब निष्काम कर्म कर रहे हैं तो उसका फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस निष्काम कर्म का प्रभाव इतना अच्छा होता है कि पहले जो हमने कर्म किया है राग द्वेष रहित, अर्थात जो पुण्य पाप से युक्त हमारा जो कर्म है, तो उसका भी जो फल मिलने वाला हमको रहता है उसको वो समाप्त कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब हमने संस्कारों के बारे में ही देखा, दिगंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कारों को नष्ट कर देता है ना, फिर उसके बाद और अब उसका भी जो फल है वो भी समाप्त हो जाता है ना, उसका संस्कार भी उससे उत्पन्न हुआ संस्कार रहता है वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी बताया गया कि निष्काम कर्म है तो उसका फल तो नहीं मिलेगा, उसके फल वैसे भी नष्ट हो गए, लेकिन पहले की अगर पूर्व संचित जो हमारे कर्म है, तो जो भी हमने अच्छा या बुरा फल किया है
वो भी समाप्त हो जाएगा। अब बुरे, अब इन कर्मों का फल समाप्त हो गया तो उसके बाद हमारा और जन्म नहीं होने वाला और ना ही हमारी आयु आगे बढ़ेगी और सीधे हम क्या है मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो यही क्लेश मूलक कर्मास है, जिस प्रकार इस जन्म में दुख देता है उस प्रकार भविष्य में होने वाले जन्मों में भी दुखदायक है। अतः साधक को इसकी जड़ काट डालनी चाहिए अर्थात पूर्वोक्त क्लेशों का सर्वथा नाश कर देना चाहिए। मतलब अब ये कर्माशय है ना, तो कर्माशय का अर्थ क्या है, मैंने अच्छा कर्म भी किया और मैंने बुरा कर्म भी किया, तो अब जब तक मुझे उसका फल नहीं मिलेगा तब तक है क्या, मैं जीवित रहूंगी, है ना। तो अब उसका फल मुझे अभी मिलेगा, कुछ का मैंने कर्म किया तो उस पहले किया है या अभी कर रही हूँ तो उसका फल मुझे अभी मिलेगा, और जो सपोज अभी नहीं मिला वो क्या है मुझे भविष्य में मिलेगा, है ना। तो इस कारण से इसको क्या बोला है, दुखदायक है ऐसा कहा गया है। अतः साधक को इसकी जड़, अब इन कर्मा जो हमारे कर्माशय का जड़ किसको बोला गया है, क्या है कर्माशय का जड़, अविद्या, अविद्या है, अविद्या है मैडम। और ये जो कर्माशय है इट इज ग्रुप ऑफ द संस्कार, दैट इज थ्री टाइप्स ऑफ द कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रिया कर्म। तो जो संस्कारों का ग्रुप है, गुच्छा है, वो तुम्हारे जन्म के कारण बनते हैं और उसको हमको फल भुगतने पड़ते हैं, पड़ते हैं, है ना। एक मिनट ना पद्मनी, है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं, एक्चुअली बाहर से वॉइस आ रही है, यहाँ लाइट बंद है, कहाँ पर आए थे हम लोग, है ना। तो अतः साधक को इसकी जड़ काट डालनी चाहिए, मतलब हमारे पंच क्लेश हैं उसका जड़ क्या है, जो हमारे कर्म संस्कार हैं, है ना, सॉरी हमारे जो कर्म संस्कार हैं उसका जड़ क्या है, हमारे पंच क्लेश हैं। अतः इस जड़ को ही अर्थात जो पूर्वोक्त क्लेशों का क्या है सर्वथा नाश कर देना चाहिए। पहले तो उसको सूक्ष्म करने के लिए बोला, अब उसके बाद इसको पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। तो उस कर्माशय का फल कब तक मिलता रहता है और वह क्या है, तो इसको स्पष्ट करते हैं। मतलब ये जो हमने कर्म किए हैं उस कर्म का फल हमको कब तक मिलता रहता है, है ना, और उसका फल क्या होता है, तो इसको अब स्पष्ट कर रहे हैं। एक मिनट ना, इसका ब्राइटनेस ज्यादा हो रहा है, चलिए। तो अब 13 नंबर का हमारा जो सूत्र है उसमें बताया गया है, सती मूले तक विवाह को जात्यायुर होगा, है ना। तो मूले सती अर्थात मूल के विद्यमान रहने तक, अर्थात जड़ के विद्यमान रहने तक, तद विपाक। तो विपाक का अर्थ क्या होता है, हमने पहले ही मतलब डिस्कस किया था या फिर आएगा, है ना। तो विपाक का अर्थ होता है फल या फिर परिणाम। तो तद विपाक अर्थात इस कर्माशय का परिणाम, जात्यायुर भोगः अर्थात जाति का अर्थ होता है जन्म से, आयु का अर्थ होता है आयु, जो हम जितने वर्ष तक जीवित रहते हैं, और भोग अर्थात जो फल हमको मिलता है वो। तो मूल के विद्यमान रहने तक उस कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है। तो जब तक क्लेश रूप जड़ विद्यमान रहती है, मतलब इस कर्माशय का जड़ क्या हुआ, हमारा जो क्लेश है वो, हाँ हाँ, अविद्या और आदि जो क्लेश हैं, है ना। तो जब तक क्लेश है क्या है विद्यमान रहेंगे, तब तक इस कर्मों के संस्कार समुदाय रूप कर्माशय का विपाक यानी कि परिणाम। तो अतः जो हमारे कर्म संस्कारों का समुदाय है ना, हमारे जो कर्माशय है उसका फल, उसका परिणाम हमको क्या है, बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म होना, वहां पर निश्चित आयु तक जीते रहना, फिर मरण रूप को भोगना, और जीवन अवस्था में जो विवेक दृष्टि से सभी दुख रूप है ऐसे भोगों का संबंध होना, इन तीन प्रकार का रहता है। अब देखिए, अच्छी बुरी योनियों में जन्म होना इसलिए बोला गया है, हमने अच्छा कर्म किया है तो हमको क्या है अच्छी योनि में जन्म मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो बुरे योनि में जन्म मिलेगा, है ना। तो पहला अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, जन्म से, फिर उसके बाद वहां पर निश्चित आयु तक जीते रहना, मतलब जब तक हमारा कर्म समाप्त नहीं होता है ना, तब तक हम उस क्या है जो उस आयु तक हम जीवित रहते हैं। फिर उसके बाद मरण दुख को भोगना, और जीवन अवस्था में
मतलब क्या है, जन्म मरण बार बार होते रहता है और जो भी उसका फल होता है ना, तो हमको अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा और बुरे कर्मों का परिणाम क्या है, बुरा मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, भोग, है ना। तो जीवन अवस्था में विवेक दृष्टि से सभी दुख रूप ही है, तो ये क्या है जो हमको जन्म मिल रहा है वो, और हमारी जो आयु है वो, और जो भोग हमको मिल रहा है, ये सब के सब क्या है, दुख रूप ही है। तो ऐसे भोगों का संबंध होना ऐसे तीन प्रकार का होता रहता है। मतलब इसमें ये बोला गया कि जब तक हमारे कर्माशय रहते हैं, है ना, तो कर्माशय का कारण क्या है, हमारा क्लेश। तो जब तक क्लेश रहेगा तब तक उस कर्माशय के कारण, अब हमारा कर्माशय है तो वो फल हमने कर्म किया है तो कर्म का फल हमको मिलेगा ही ना। डायरेक्ट हम लोग कर्म का सिद्धांत पढ़ते हैं, जब दर्शन पढ़ते हैं तो भगवद गीता में भी बोला गया है, जो कर्म आपने नहीं किया है उसका फल आपको नहीं मिलेगा, और जो कर्म आपने किया है उसका फल आपको आपको मिलने से आप बच नहीं सकते, है ना। फिर बाकी भगवान की कृपा। तो अब जब तक कर्म हमारा विद्यमान है ना, सपोज अब मेरी मृत्यु हो गई, ठीक, और मेरे क्या है, कर्म संस्कार नष्ट नहीं हुए हैं, मैंने अभी कुछ अच्छा काम किया है और कुछ बुरा काम किया है, तो अगर सपोज मेरा अच्छा कर्म ज्यादा रहा तो मुझे अच्छी योनि में जन्म मिलेगा, बुरा कर्म ज्यादा रहा तो बुरी योनि में जन्म मिलेगा। तो पहला हो गया हमारा जाति, फिर उसके बाद आयु। अब जब तक मेरे कर्म समाप्त नहीं होंगे, है ना, फल भोगना जब तक बचा रहेगा तब तक क्या है, मैं जीवित रहूंगी। तो दूसरा हो गया आयु, फिर उसके बाद भोग, अर्थात जो कर्म किया है तो उसका अच्छा और बुरा जो फल मिलेगा वही, उसी को क्या है, मैं भोगूंगी, है ना। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ हो गया भोग। तो जब तक हमारा कर्माशय का मतलब क्लेश विद्यमान रहता है ना, क्लेश के कर्माशय का कारण जो क्लेश विद्यमान रहता है, तब तक हमको क्या है, जाति आयु और भोग मिलता ही रहता है। आया समझ में, आया जी समझ में? मैम, यस मैम, ठीक है। तो वन लाइनर में आप लोग लिख लेंगे कि जब तक हमारे कर्म संस्कार नष्ट नहीं हुए रहते हैं तब तक हमको क्या मिलता है, पहला जाति, दूसरा आयु और तीसरा भोग। और ये कब नहीं मिलेगा, जब हमारे कर्म क्लेश है वो समाप्त हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस क्लेश का कारण मतलब कर्माशय का कारण ही क्या है, हमारे क्लेश है। क्लेश नष्ट हो गए मतलब हमारे कर्म संस्कार नष्ट हो जाएंगे, और कर्म संस्कार नष्ट हो जाएगा मतलब जाति आयु और भोग हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी फिर खत्म हो हाँ जाने हाँ मैम, आप के एक लाइन जो बाद। बोले ना, जब तक हमारे वो वाला एक लाइन फिर से रिपीट करिए तो कीजिए हाँ तो मतलब। तो हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं। तो जब तक हमारे कर्माशय विद्यमान है ना, क्लेश नष्ट नहीं हुआ है, तो क्लेश के नष्ट ना होने के कारण क्या है, कर्माशय भी बने रहेंगे। और जब तक कर्माशय है ना, तब तक मतलब हमारे कर्म संस्कार नष्ट नहीं हुए हैं, तब तक हमको क्या मिलता रहेगा, जाति मिलेगा, आयु मिलेगा और भोग मिलेगा। इसको मैं एक अच्छे उदाहरण से और बताती हूँ ना आप लोगों को। आप लोगों ने जड़ भरत की कथा सुनी है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं जी, जड़ भरत को हिरन वाला कहानी सुनाया था मैंने, हाँ मैम, सुना है क्या? हाँ ठीक है। कहाँ पर सुनाई थी एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन समाधिपाद में मैंने सुनाया था। तो जड़ भरत को क्या होता है, अब उसने कर्म किया है ना, हमने ना स्मृति के पास मतलब पता नहीं कहाँ पर तो पढ़े थे कि जैसा सोचते रहते हैं वैसे ही हो जाता है, मतलब उसी योनि में हमको जन्म मिलता है। तो देखिए जड़ भरत के साथ हुआ क्या था, अब उसने वो घर बार सब अपने राजमहल को त्याग करके तो सन्यासी बन के जंगल में आ गया था, लेकिन उसको आसक्ति किसमें हो जाती है, उस जो मृग का बच्चा रहता है उसके कारण, है ना। अब उसके कर्म उसमें बच गए है ना, उसके कारण उसमें क्या है, हिरण के लिए जो भी किया तो उसके कारण उसने क्या है, कर्म अपने इकट्ठे किए उसके लिए पुण्य किया, तो उसको दोबारा जन्म मिलता है ना। तो अब उसको समझ में आ गया कि ये कर्म करने के कारण क्या है, उसको बार बार पुनर्जन्म मिलता रहेगा। तो इस कारण से अब वो अगला जन्म जब उसका होता है ना, तो वो इन सब चीजों में ध्यान नहीं देता है ना, मतलब ना ही उसको किसी भी तरह का अच्छा कर्म करना है बुरा कर्म करना है ना। तो इस तरह से क्या है, उसको पता चल जाता है, तो फिर उस मतलब नेक्स्ट और पुनर्जन्म ना हो करके, तो इस कारण से क्या है, वो इन सब चीजों को ध्यान
त्याग देता है। निष्काम कर्म करने के लिए भी बोला जाता है हम लोगों को, क्यों? क्योंकि जब तक अगर हम निष्काम कर्म नहीं करेंगे, सपोज हम लोग बहुत ज्यादा पुण्य कर्म कर रहे हैं, है ना, और पुण्य कर्म कर रहे हैं तो क्या है, हमारी आसक्ति है ही, तो अब उसके कारण हमको अच्छा फल तो मिलेगा ना, तो उसी के कारण क्या है, हमारा पुनर्जन्म होगा। फिर जब तक उसका हम फल नहीं भोगेंगे तब तक हमको आयु मिलेगी, उतने वर्ष तक हम जीवित रहेंगे, और भोग अगर अच्छा कर्म किए हैं तो अच्छा अच्छा मिलेगा हमको, है ना। तो वही सब है, तो इस कारण से क्या बोल रहे थे जी, एक मिनट, है ना, हमारा कर्म संस्कार नष्ट, हाँ, तो जब तक हमारा जो कर्माशय है वो समाप्त नहीं होगा तब तक हमको जाति आयु और भोग मिलता ही रहेगा। पता नहीं मैं कुछ दूसरा बताने वाली भी शायद भूल गई तुरंत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट नंबर का सूत्र बताते हैं, तो वे जाति आयु और भोग रूप परिणाम किस प्रकार के होते हैं यह बतलाते हैं, मतलब ये हमारी जाति कैसी होती है और आयु कैसे मिलता है और भोग रूप परिणाम किस प्रकार का होता है ये सब, तो इसको बतलाने के लिए हमारा नेक्स्ट नंबर का सूत्र कहते हैं, प्रहलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। ठीक है, एक बार और बोलती हूँ। अच्छा, आप मेरी प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, मतलब मैक्सिमम करेक्ट रहती है, थोड़ा बहुत मिस्टेक रहता होगा, लेकिन जो लोग रिकॉर्ड करके भेजे थे उन लोग ध्यान देंगे इन सब चीजों को। कैसे पढ़ेंगे इसको, प्रहलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। ठीक है, तो वे, अब वेद का अर्थ यहाँ पर किससे है, इसके पहले हमने किसके बारे में पढ़ा है, जाति आयु और भोग के बारे में, तो वे जन्म आयु और भोग आह्लाद, आप लोगों ने आह्लाद हिंदी में पढ़ा होगा, तो आह्लाद का अर्थ क्या होता है, खुशी, हर्ष, है ना, और परिताप अर्थात क्या है, दुख रूप, जो शोक रूप है ना, फलह अर्थात क्या है, फल को देने वाले होते हैं, और पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, क्यों, मतलब खुशी क्यों देते हैं, क्योंकि उनका कारण पुण्य होता है, दुख क्यों देते हैं, शोक रूप क्यों होते हैं, क्योंकि उनका कारण क्या होता है, अपुण्य अर्थात पाप कर्म, तो दोनों ही इसके कारण है, उस कारण क्या है, हर्ष और शोक रूप फल को देने होने वाले होते हैं, अर्थात जो हमको जन्म आयु और भोग मिलता है ना, वो हमारे लिए क्या है, खुशी देने वाला, हर्ष देने वाला भी होता है और दुख रूप शोक रूप फल को भी देने वाला होता है, क्यों, क्योंकि उसका कारण क्या है, अच्छा कर्म भी है और बुरा कर्म भी है, तो जो हमने अच्छा कर्म किया है उसके फल स्वरूप को क्या मिलेगा, हमको हर्ष रूप मिलेगा, और अपुण्य कर्म अर्थात जो पाप कर्म किया है उसका उसके फल स्वरूप हमको क्या मिलेगा, शोक रूप मिलेगा। तो क्या क्या पढ़ते हैं, तो जो जन्म, इसका प्रोनाउंसिएशन फिर से एक बार प्रोनाउंसिएशन बताएंगे, हाँ, प्रहलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, तो जो जन्म पुण्य कर्म का परिणाम है वह सुखदायक होता है। सॉरी, आपको समझ में आया ना, यस यस मैम, प्रहलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, है ना, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो जो जन्म पुण्य कर्म का परिणाम है वह सुखदायक होता है और जो पाप कर्म का परिणाम है वह क्या है, दुखदायक होता है। ठीक है, तो अच्छे कर्म करेंगे तो इस कारण से कि अगर किसी अच्छी जाति में जन्म मिलता है तो वो हमारे लिए क्या है, सुखदायक होगा, और जो पाप कर्म का परिणाम है वह दुखदायक होता है। जैसे कि सपोज अब आप मनुष्यों में ही देखिए, मनुष्य योनि को अच्छी योनि बोला जाता है ना, अब उसमें कई लोग क्या है, बचपन से स्वस्थ पैदा होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, दिव्यांग पैदा होते हैं या ऐसी मतलब बहुत तरह की बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, तो अगर हम अच्छे तरह से मतलब सब चीज हमारा अच्छा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, हमने पुण्य कर्म किया है, मतलब वो सुखदायक हुआ ना वो हमारा जन्म। लेकिन सपोज हमारे क्या है, अंग विक्षत है ना, फिर उसके बाद अगर सपोज हमको किसी भी तरह की बीमारी है तो इस तरह का जन्म तो हमारे लिए क्या हुआ, दुखदायक हुआ, है ना। फिर इसी प्रकार क्या है, आयु का जितना समय शुभ कर्म का परिणाम है उतना समय सुखदायक होता है और जितना पाप कर्म का परिणाम है उतना दुखदायक होता है। मतलब हमारी जिंदगी में हमेशा हम खुश रहते हैं क्या, सुखी रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं, और हमेशा दुखी रहते हैं क्या, नहीं रहते, मतलब कभी हम सुखी रहेंगे
सुख में रहेंगे और कभी हम दुख में रहेंगे। तो सुख में कब रहेंगे? जब तक हमने शुभ कर्म किया है, जो जब उसका फल मिलेगा तब तक हम सुखी रहेंगे। और जब दुख वाले कर्म है, जो दुख मिलेगा हमको, तो वो किसका फल होगा? जो हमने पाप कर्म किए हैं उसका। तो वैसे ही जो जो भोग अर्थात सांसारिक मनुष्यों के, अन्य प्राणियों के, पदार्थों के और क्रिया एवं परिस्थिति आदि के संयोग वियोग पुण्य कर्म के परिणाम होते हैं, वे हर्षप्रद होते हैं। और जो पाप कर्म के परिणाम होते हैं, वे शोकप्रद होते हैं। मतलब इसमें कैसे बता रहे हैं, अन्य प्राणियों के, ठीक है, किसी प्राणी के संपर्क में, लोगों इत्यादि के, या फिर सांसारिक मनुष्यों के संबंध में जब आते हैं, किसी पदार्थ के संबंध में, और क्रिया और परिस्थिति आदि जितनी भी, मतलब इसमें डायरेक्टली हमारे जीवन में जो जो भी घटना होती है ना, चाहे जैसे भी हो, तो वे सब वो हमारे लिए हर्षप्रद कब होते हैं? जब हमने क्या है, वो पुण्य कर्मों का परिणाम होता है। तो और वो पाप कर्म के परिणाम होते हैं, तो वही क्या है, हमारे शोकप्रद होते हैं। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कोई सपोज हम लोग क्या है, हमने अपने घर में क्या है, एक डॉगी पाला है ना, तो उसके साथ हम लोग जब तक हैं तब तक हमको क्या है, अच्छा लगेगा, और वो भी अच्छे से रहा तो वो क्या हुआ, हमारे लिए हर्षप्रद। अब उसी के कारण उसका तबियत खराब हो गया, या उसकी हरकतें ऐसी है कि वो आपको परेशान कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए शोकप्रद हो जाएगा, है ना। तो इसी कारण बताया गया है कि जो जाति जन्म हमको मिलता है ना, फिर दूसरा जो आयु हमको मिलती है, और जो भोग अर्थात जितने भी घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं, तो वे क्या है, आधे सुख वाले होते हैं, मतलब सुखदायक भी होते हैं और दुखदायक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कारण क्या है, जो पुण्य कर्म है और अपुण्य अर्थात पाप कर्म दोनों है। तो जो सुख पुण्य कर्म है उसके कारण हमको सुखप्रद फल मिलेगा, और जो पाप कर्म है उसके कारण हमको दुखप्रद या शोकप्रद जो फल है वो मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट सूत्र में हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ यह शंका हो सकती है कि यदि यही बात है, तब तो जिसका परिणाम केवल दुख प्रद फल जन्म आयु और भोग है, ऐसे कर्माशय का ही उसके मूल सहित नाश करना उचित है। उसके साथ सुखप्रद कर्माशय का नाश करने की बात क्यों कही है, इस पर कहते हैं। मतलब सच में ये सोचने वाली बात है, अगर खुश रहना या सुखी रहना आप में से कौन नहीं चाहता है ना। मतलब हर मनुष्य चाहते हैं कि मैं क्या है, हमेशा सुखी रहूं। जितना भी हम लोग कर रहे हैं इसीलिए तो कर रहे हैं ना, ताकि हम सुखी रह सके, खुश रह सके, है ना। तो सुखी रहना सब लोग चाहते हैं, लेकिन दुखी रहना कोई नहीं चाहता। तो इसी कारण से क्या बोला गया है, जिसका परिणाम केवल दुख प्रद फल होगा, ऐसे कर्मों को, ऐसे कर्माशय को हमको क्या है, नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन सुख वाला है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पतंजलि जी ने क्या बताया है, दोनों के दोनों को, जो सुख देने वाले हैं, सॉरी, जो दुख देने वाले हैं उसके साथ साथ जो सुख देने वाले हैं उसको भी नष्ट करने के लिए कहा है। तो ऐसा क्यों कहा है, इस पर कहते हैं। एक मिनट, है ना। तो नेक्स्ट हम 15 नंबर का सूत्र देखते हैं। परिणाम ताप संस्कार दुख खैर गुण वृत्ति विरोधार्थ दुखम एव सर्वम विवेकिनः। ठीक है, एक बार और पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परिणाम ताप संस्कार दुख खैर गुण वृत्ति विरोधार्थ दुखम एव सर्वम विवेकिनः। अर्थात परिणाम दुख, देखिए यहाँ पर से परिणाम दुख, फिर ताप दुख, फिर उसके बाद संस्कार दुख। ठीक है, तो परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और गुण वृत्ति विरोधात अर्थात गुणों में, तीनों गुणों में अर्थात कौन कौन से हमारे, सत्व तम रज, हाँ सत्व रज और तम, तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण, विवेकी के लिए सबके सब विवेकिना अर्थात विवेकी के लिए, और सर्वम अर्थात सबके सब जो कर्म फल है वो दुख रूप ही है।
तो व्याख्या मतलब एक बार पढ़ते हैं कि तो परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण, मतलब जो हमको फल मिलता है ना, तो उसके कारण क्या है, हमको जो फल जो हमारे पुण्य कर्म है और पाप कर्म है ना, जिसके कारण क्या है हमको ये दुख मिलेगा, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। तो ऐसे तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण, मतलब तीनों गुण एक दूसरे से क्या है, परस्पर भिन्न है, उनके गुणों में क्या है, गुणों की वृत्तियों में क्या है, विरोध है ना। तो इसी कारण विवेकी मनुष्य के लिए है ना, सब के सब क्या है, अर्थात जो कर्म फल है, पुण्य वाले कर्म फल है वो भी और पाप वाले जो कर्म फल है वो भी क्या है, दुख रूप ही है। तो अब देखते हैं सबसे पहले परिणाम दुख है क्या, तो जो कर्म विपाक, कर्म अर्थात जो कर्म किए हैं वो, और विपाक का अर्थ फल, तो जिस कर्म का फल भोग काल में स्थूल दृष्टि से सुखप्रद प्रतीत होता है और उसका भी परिणाम नतीजा दुख ही होता है। जैसे स्त्री प्रसंग के समय, एक बार इसका वो देखते हैं कि शुरू में हमने जो कर्म किया है ना, तो जब कर रहे हैं तो वो क्या है, हमको सुखप्रद लगता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, दुख होता है। जैसे कि स्त्री प्रसंग के समय मनुष्य को सुख भासता है, परंतु उसका परिणाम बल, वीर्य, तेज, स्मृति आदि का ह्रास प्रत्यक्ष देखने में आता है। ऐसे ही दूसरे भोगों के साथ समझ लेना चाहिए। इसमें स्त्री प्रसंग का उदाहरण दिया गया है, इसको हम लोग एक और इजीएस्ट उदाहरण से समझते हैं। मैंने एक दो दिन पहले ही बताया होगा, जब हमको खुजली होती है ना, तो हम उस जगह को क्या है, खुजाते हैं, तो उस समय क्या है, हमको अच्छा लगता है ना, उस समय तो हमको शांति मिल जाती है, लेकिन उसके बाद क्या है, कंटिन्यू अगर हम वही काम करते रहें तो वहां पर घाव बन जाता है। तो शुरू में तो उसका परिणाम क्या है, सुख प्रतीत होता है, लेकिन उसका भी परिणाम क्या है, उसका भी नतीजा क्या है, दुख ही होता है। तो ऐसे ही दूसरे भोगों में भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिणाम दुख। फिर उसके बाद दूसरा, तो भोगों को भोगते भोगते मनुष्य थक जाता है, उन्हें भोगने की शक्ति उसमें नहीं रहती, परंतु तृष्णा बनी रहती है, इससे वह भोग रूप सुख भी दुख ही है। मतलब क्या है, उस भोग को भोगते भोगते मनुष्य क्या है, थक जाता है, उसमें भोगने की शक्ति भी नहीं बनी रहती, परंतु तृष्णा बनी रहती है। जैसे कि सपोज अब हमको गुलाब जामुन खाना क्या है, अच्छा लगता है ना, तो हम क्या है, कंटिन्यू खाते रहेंगे, खाते खाते हम लोग थक भी जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब उसको हमको क्या है, खाने की शक्ति ही नहीं रहेगी। जैसे कि ये वो सबका उदाहरण है ना, मतलब हम किसी अच्छे शादी वगैरह में जा रहे हैं और वहां हमको वही मिल गया गुलाब जामुन, तो उसको क्या है, हम कंटिन्यू खाए जा रहे हैं, उसको हमको खाने की मतलब एकदम ललक है, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि अब उसको खाने की शक्ति हमारी नहीं रहेगी, लेकिन तब भी मन करेगा है ना, परंतु पर भी क्या है, तृष्णा बनी ही रहेगी कि उसको मैं और खा लूं, भले ही हमारी शक्ति समाप्त हो जाए। तो इससे वह भोग रूप सुख भी क्या है, दुखी है। मतलब अब खाने की शक्ति नहीं है, अब इसी कारण से आपको रिग्रेट हो रहा है कि अब मैं इसको और नहीं खा सकता, तो इस कारण से जो हम खाने के समय हमको जो सुख मिल रहा है वह भी क्या है, दुख ही है। तो यह भोग के अंत में अनुभव होने वाला दुख भी परिणाम दुख की गणना में ही है। अब हमने गुलाब जामुन खाया तो उसका कुछ तो परिणाम निकलेगा, मे भी अगले दिन हमारा तबियत ही खराब हो जाए, तो अब उसी के कारण क्या है, हमको फिर से हमारा तबियत खराब हुआ, तो वो भी हमारे लिए दुख रूप ही है। तो अतः भोग के अंत में अनुभव होने वाला दुख भी परिणाम दुख की ही गणना में है। आया समझ में, आया कि नहीं आया? यस मैम, यस मैम, आ गया। हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कितना लंबा दिया है जी इसका डिस्क्रिप्शन। अब एक मिनट इसको पढ़ ही लेते हैं। तो इंद्रियों और पदार्थों के संबंध से जब मनुष्य को किसी भी प्रकार के भोग में सुख की प्रतीति होती है, तब उसमें राग आसक्ति अवश्य हो जाती है, इसलिए वह सुख राग रूप क्लेश से मिलता है। मतलब देखिए इसमें क्या है, जिससे हमको सुख मिल रहा है, तो सुख के पीछे रहने वाला क्लेश क्या है, हमारा राग है, और राग के कारण ही हमको क्या है, उसमें आसक्ति मिल जा रही है। क्यों,
क्योंकि गुलाब जामुन खा रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है, उसे आसक्ति हो गई, तो इसलिए वह सुख राग रूप क्लेश से मिलता हुआ है और आसक्ति बस मनुष्य उस भोग की प्राप्ति के साधन रूप अच्छे बुरे कर्मों को का आरंभ भी करेगा ही, और भोग्य वस्तुओं की मतलब अच्छे भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति में भी असमर्थ होने या विघ्न आने पर द्वेष होना भी अवश्यंभावी है। ये सब इजी है ना, समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब उसके बाद क्या है, ताप दुख। तो सभी प्रकार के भोग रूप सुख विनाशशील है, उनसे वियोग होना निश्चित है, अतः भोग काल में उनके विनाश की संभावना से भय के कारण जो ताप दुख बना ही रहता है। जैसे कि हम लोग कल मैंने एक उदाहरण दिया था है ना, कि अभी सब लोग अभी सपोज हम लोगों ने कुछ लोग मास्टर्स में हैं, कुछ लोगों का कंप्लीट हो गया होगा, तो शुरू शुरू में हम लोग जब जाते हैं तो क्या है, नए फ्रेंड्स रहते हैं, फिर 6 महीने में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, उन सबके साथ रहने की आदत होती है, फिर कुछ लोगों के साथ दोस्ती एकदम अच्छी हो जाती है, फिर उन लोगों के साथ घूमना फिरना इधर उधर उधर आना जाना मौज मस्ती क्या है हम लोग सब करते हैं, ऐसी करते करते पूरा सेमेस्टर हमारा निकल जाता है। लास्ट में हम लोग जब फोर्थ सेमेस्टर मास्टर्स में आते हैं तो फिर उस समय क्या है, जब सब चीज हम लोग करते रहते हैं उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि हम लोग सब क्या है अब अलग हो जाएंगे, ऐसा दिन हमारा समाप्त हो जाएगा, तो उस भोग काल में विनाश की संभावना से भय के कारण, मतलब ये सब अब समाप्त हो जाएगा, हम लोग सब अलग हो जाएंगे, यही क्या है ताप दुख बना रहता है, मतलब हमेशा खुश तो रहेंगे उस टाइम पे, लेकिन ये सब चीजें समाप्त हो जाएगी, ऐसा भय हमारे डर अंदर हमारे अंदर बना ही रहता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ताप दुख बना रहता है। तो इसी तरह मनुष्य को जो सुख कारक भोग प्राप्त होते हैं वे सतिशय ही होते हैं, अर्थात उसे जो कुछ प्राप्त है उससे बढ़कर दूसरों को भी प्राप्त है, यह देखकर वह ईर्ष्या से जलता रहता है। देखिए सतिशय वर्ड आया है, इसका अपोजिट निरतिशय हमने पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है ये आप लोग बताइए, 25 नंबर के श्लोक में ईश्वर की विशेषताएं में। हाँ ठीक है, तो उसमें क्या है, निरतिशय बोला गया है, मतलब उससे बढ़ करके कोई नहीं है, तो सतिशय अर्थात इससे बढ़ करके कुछ चीज है, तो मनुष्य को जो सुख कारक भोग प्राप्त होते हैं वे सतिशय ही होते हैं, मतलब अर्थात मुझे जो सुख प्राप्त है उससे बढ़ करके सुख क्या है, सामने वाले को प्राप्त है, तो इसी को देख करके क्या है मनुष्य ईर्ष्या से जलता रहता है, ये सामान्य मनुष्यों की क्या है आदत ही है ना, कि मतलब मैं तो खुश हूँ ठीक है, लेकिन सामने वाला मेरे से ज्यादा खुश क्यों है, ठीक है, तो इसके कारण जो दुख होता है वही क्या है, ताप दुख है, यह भी ताप दुख है, तथा भोग की अपूर्णता से भी भोग काल में संताप बना रहता है, यह भी ताप दुख है, मतलब अब हमारे पास जो चीज है तो उसको भी हम भोग नहीं पा रहे हैं, तो उसके भोग काल में मतलब अपूर्णता से पूर्ण नहीं कर पाए, तो उसके कारण भी हमारे अंदर जो रिग्रेट रहता है, जो ताप संताप रहता है, उसको भी क्या बोलते हैं, ताप दुख कहते हैं। आया समझ में, आया कि नहीं आया जी? हाँ ठीक है। फिर उसके बाद आता है तीसरा, संस्कार दुख। तो जिन जिन भोगों में मनुष्यों को सुख का अनुभव होता है उस अनुभव के संस्कार उसके हृदय में जम जाते हैं, और जब उन भोग सामग्रियों से उसका वियोग हो जाता है तब वे संस्कार पहले के सुख भोग की स्मृति द्वारा महान दुख के हेतु हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, इसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, इसी से कंटिन्यू करते हैं। तो देखने में भी आता है कि जब किसी मनुष्य की स्त्री पुत्र धन मकान और आदि भोग सामग्री नष्ट हो जाती है तब वह उनको याद कर करके रोता रहता है कि मेरी स्त्री मुझे अमुक अमुक प्रकार से सुख देती थी, मेरे पास इतना धन था, मैं अपने धन से स्वयं सुख भोगता था और लोगों को सुख पहुंचाता था, और आज मेरी दशा यह है कि मैं भिखारी होकर लोगों से सहायता मांगता फिर रहा हूँ। मतलब संस्कार दुख का क्या है, तो जैसे जैसे सुख हम लोग भोगते जाते हैं तो उसके कारण क्या है, उसके संस्कार हमारे हृदय में जम जाते हैं, फिर उसके बाद अब जब वो चीजें हमारे पास नहीं रहती है तब उसके कारण हमको क्या है, वियोग होता है। जैसे कि अब हमारे पास क्या है, इससे पहले बहुत पैसा था है ना, तो जब तक हमको पैसा था तब तक हमने खूब मौज मस्ती की, ठीक, अब उसके बाद पैसा समाप्त हो गया, तो जब तक पैसा था तब तक तो मौज मस्ती कर ली, अब नहीं है तो कहाँ से करेंगे, तो उस समय अब हमको क्या है, ये लगे रिग्रेट होते रहता है हमको,
दुख होते रहता है कि पहले जब मेरे पास पैसा था तब मैं ऐसे ऐसे करता था, अब नहीं है तो अब मैं लोगों से क्या है सहायता मांगते फिर रहा हूँ इत्यादि। तो इसके सिवा वे भोग संस्कार भोगासक्ति में वृद्धि के कारण होने से जन्म जंतार जन्मांतर के भी दुखों के हेतु है। मतलब क्या है अब उस भोग को मतलब भोगने की हमारे अंदर क्या है आसक्ति उत्पन्न हो गई है ना, तो इसी के कारण क्या है जन्म जनता जन्मा कहा गया जी भोगासक्ति की वृद्धि में कारण होने से जन्मांतरों में दुख के हेतु है। मतलब क्या है हमारी आसक्ति उसमें हो गई है तो इसी के कारण क्या है ये जो आसक्ति हो जाती है हमको वो भी क्या है दुख का कारण है। कौन सा ये संस्कार दुख वाला कि पहले ऐसा सुख मुझे प्राप्त होता था लेकिन अब नहीं है, तो इस तरह का जो दुख होता है उसको क्या बोलते हैं हम संस्कार दुख कहते हैं। आया समझ में तीन प्रकार के दुख, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। एक बार और पढ़ेंगे सपोज नहीं आया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, टफ नहीं है, है ना। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग गुण वृत्ति विरोध, इसको आप लोग दुख के टाइप नहीं बोलेंगे ठीक है, ये गुण वृत्ति विरोध अलग चीज है। दुख के टाइप केवल तीन ही है सांख्य में और योग में, हम लोग तीन प्रकार के ही दुख पढ़ते हैं। सिमिलैरिटी जब आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे क्या क्या सिमिलैरिटी और क्या क्या डिफरेंट है, तो उसमें भी तीन प्रकार के दुख बताए गए हैं और इसमें भी तीन प्रकार के दुख बताए गए हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। अब उसके बाद बोला गया है कि तीनों गुणों की वृत्तियों में विरोध है, तो वो गुण वृत्ति विरोध क्या है इसको बताते हैं। तो गुणों के कार्य का नाम गुण वृत्ति है और गुणों के कार्यों में परस्पर अत्यंत विरोध है। तो जो गुण होते हैं है ना, तो उसके उस जो गुण का जो कार्य होता है उसी को क्या बोलते हैं गुण वृत्ति बोलते हैं, और ये गुण वृत्ति क्या है गुणों के कार्य में परस्पर अत्यंत विरोध है। मतलब तीनों क्या है अलग अलग है, सत्व गुण अलग कार्य करेगा, रजगुण अलग कार्य करेगा और तम गुण है वो अलग कार्य करेगा, और इन तीनों के कारण इन तीनों की वृत्तियों में क्या है विरोध है ना, अलग अलग है ये। तो जैसे सत्व गुण का कार्य प्रकाश ज्ञान और सुख है, तो तमोगुण का कार्य अंधकार अज्ञान और दुख है। मतलब जस्ट कोविड हो गया इसका देखिए, प्रकाश का अंधकार, ज्ञान का अज्ञान और फिर उसके बाद सुख का क्या है दुख है। तो इस प्रकार इनके कार्यों में विरोध होने के कारण दुविधा बनी रहती है, सुख भोग काल में भी शांति नहीं मिलती क्योंकि तीनों गुण एक साथ रहने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब सत्व गुण के कारण मतलब के एक समय हम केवल सत्व गुण से युक्त रहेंगे या तम गुण के साथ रहेंगे, तो ये क्या है एक साथ चलने वाला है, सब अलग अलग नहीं होता। तो इस कारण से क्या है भोग काल में भी शांति नहीं मिलती क्योंकि तीनों गुण एक साथ रहने वाले हैं, और सुख के अनुभव में काल में सत्व गुण की प्रधानता रहते हुए भी रजोगुण और तमोगुण का अभाव नहीं हो पाता, अतः उस समय भी दुख और शोक विद्यमान रहते हैं, इसलिए भी वह दुख ही है। जैसे ध्यान काल में और सत्संग करते समय सत्व गुण की प्रधानता रहती है अतः सात्विक सुख होता है, परंतु वहां भी सांसारिक स्पूर्णा और तंद्रा उस सुख में विघ्न कर देते हैं। ऐसे ही अन्य कामों में भी समझना चाहिए। देखिए एकदम अच्छा चीज है ये, मतलब इजी से समझ में आएगा। जब हम लोग ध्यान करते हैं प्राणायाम इत्यादि का जब हम लोग अभ्यास करते हैं तो उस समय क्या है सत्व गुण की अधिकता रहती है, तो उसके कारण क्या है अब साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो उस समय ऐसे ऐसे हॉर्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसके कारण क्या है हमको अच्छा लगते रहता है ना, खुशी होती रहती है। तो ये सब क्यों होता है सत्व गुण की प्रधानता के कारण क्या है हमको सात्विक सुख का अनुभव होता है, परंतु अब हम लोग सांसारिक है ना जो भी हमने अनुभव किया रहता है तो बीच बीच में वो सब थोड़ा आते रहता है और तंद्रा इत्यादि उस समय क्या है हमको विघ्न में डाल देते हैं। तो ऐसे ही अन्य कामों में भी समझ लेना चाहिए। तो इसको बताने के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, एक मिनट ठीक है इसको पूरा पढ़ लेते हैं। तो उपर्युक्त परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख तथा गुण वृत्तियों के विरोध से होने वाले दुख को विचार द्वारा विवेकी पुरुष समझता है और इस कारण उसकी दृष्टि में सभी कर्म में विपाक अर्थात जो कर्मों के फल है वो दुख रूप ही है, अर्थात साधारण मनुष्य समुदाय जिन भोगों को सुख रूप समझता है विवेकी के लिए वे भी दुख ही है।
मतलब इत्यादि हमने जो कर्म किया तो उसके कारण क्या है, हमको परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख मिलेगा। और क्या है, गुणों की क्या है, वृत्तियों में विरोध है। तो इस कारण से जो सामान्य मनुष्य है उसको सुख समझता है, लेकिन विवेकी पुरुष के लिए वे सब क्या है, दुख रूप ही है। जैसे कि कुछ भी होता है ना, जैसे साधु संतों से कंपैरिजन करते हैं और हम अपने से कंपैरिजन करते हैं। कुछ भी चीज हमको प्राप्त हुआ, शादी वगैरह में हम लोग गए या फिर कुछ और अच्छा सा चीज हमने अटेंड किया है ना, तो उस समय क्या है, हम बहुत खुश रहते हैं, ठीक। लेकिन एक जो वो होता है वैरागी होता है, साधु संन्यासी होता है, वो सब क्या, वो विवेकी पुरुष है, तो वो जानता है कि इन सब के पीछे भी क्या है, दुख ही होने वाला है। तो इसी कारण क्या बोला गया है कि मनुष्य समुदाय जिन भोगों को सुख स्वरूप समझता है, विवेकी पुरुष के लिए वे सब क्या है, दुख ही है। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम कैसा होता है, परिणाम दुख होता है, ताप दुख होता है और संस्कार दुख होता है, और उसके गुणों की क्या है, वृत्तियों में विरोध रहता है। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। वृत्ति विरोध एक बार फिर से बताइए ना। अच्छा हाँ ठीक है। गुण वृत्ति विरोध कहने का अर्थ ये है कि अब तीन प्रकार के गुण हैं, सत्व गुण, तम गुण और रज गुण, है ना। तो अब तीनों गुणों का कार्य क्या है, अलग अलग है ना। तो अब इसको ध्यान के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। जब हम लोग ध्यान प्राणायाम करते हैं, ध्यान इत्यादि का अभ्यास करते हैं, है ना, तो उस समय क्या है, हमको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता रहती है, तो उस कारण क्या है, हमको सात्विक सुख का अनुभव होता है। लेकिन ऐसा होता है क्या कि हम आधे घंटे ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं तो पूरा आधे घंटे तक हम लोग कंटिन्यू सुख का अनुभव करते रहे, हमको खुशी मिलती रहे, नहीं होता। बीच बीच में कहीं कहीं से ऐसा ऐसा ध्यान आ जाता है कि उसके कारण हमको दुख होने लगता है, मतलब ये चीज क्यों हुआ। तो वो जो साथ मतलब विचार अलग अलग तरह के आ रहे हैं, तो जो सात्विक सुख हमको अनुभव हो रहा है तो उसमें वो बाधा पहुंचा रहा है ना। तो उसी कारण क्या है, वो सुख में विघ्न कर देते हैं। और ऐसे ही अन्य कामों में भी समझना चाहिए, मतलब गुणों की वृत्तियों में विरोध होने के कारण। अब देखो, सत्व गुण का कार्य खुश रखना है, लेकिन तमोगुण और रजोगुण के कारण वो सुख कंटिन्यू बना पा रहा है क्या? नहीं, क्योंकि रज और तम के कारण हमको खुशी नहीं मिलेगी, सुख में हम नहीं रहेंगे, तो वो क्या है, अब उसमें विघ्न कर दे रहे हैं तो हमको दुख मिलेगा उसमें। तो इसी को बोल रहे हैं कि गुणों की वृत्तियों में विरोध होता है। आया समझ में? यस मैम। मतलब ये जब हम क्या बोले लावी मैम? मैम मुझे तंद्रा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तंद्रा का मतलब आलस्य इत्यादि आता है। जैसे कि हम लोग ध्यान करने बैठते हैं तो एकदम मतलब पूरी अच्छे तरीके से बैठ पाते हैं क्या? नहीं बैठ पाते, बीच बीच में आलस्य आते रहता है। स्पाइन सीधी करने के लिए बोल रहे हैं तो अब दर्द करने लगता है कि हाँ हम नहीं बैठ पा रहे हैं, मन भी नहीं करता है कई बार, तो आलस इत्यादि जो आता है ना उसकी तंद्रा, थकान, है ना। ठीक है हाँ चलिए। और कोई कुछ बोल रहा था? निष्ठा मैम आप कुछ बोल रहे थे क्या? मैम एक तरह से जो गुण वृत्ति विरोध ये हुआ कि जैसे सत्व गुण है तो सत्व गुण को अपना पूर्ण रूप से कार्य करने नहीं देते, रजोगुण नहीं देता है। तो वो जो बार बार विरोध करते रहते वही क्या हो गया, गुण वृत्ति विरोध हो गया। आज की कक्षा यहीं तक, अभी रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर लेते हैं। पहले बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। यस।